साथ में ये सारे एलिगेशन जब आप सुनती हो कि रूबीना को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको क्या लगता है सच में है? और जिस तरीके से लोग कहते हैं कि रूबीना जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, भले वो अभिनव हो या बाकी सारे लोग, उनका ये है कि उनकी चीजें होनी चाहिए, उनके हिसाब से होनी चाहिए, तो आप क्या रूबीना का ऐसा नेचर है? बिकॉज उनको काफी सारे पेट नेम्स दिए गए घर में, जैसे टीचर बुलाते हैं और हर सर हर कोई चीज उन्हीं का सुने, उन्हीं के हिसाब से चले, ये सारे जब भी चीजें हैं, तो क्या रूबीना का ऐसा नेचर है? आपको लोगों की गलत फहमी है या उनको ऐसा दिखा रहे हैं? क्या इस पे क्या कर लगता है आपको? देखिए, अगर मैं ये बात कहूँ कि उनका नेचर डोमिनेटिंग है, वो चाहे वो अभिनव से लेकर हो या कुछ भी, पहली बात तो यही है कि हर रिलेशन में हर लड़की चाहती है कि हाँ मुझे प्रेफर करके बात सुने, ऐसा वैसा अच्छा सुखी सुखी चल रहा है उससे। बात डोमिनेट करने की, डोमिनेटिंग वो तब होता है जब सिर्फ रूबीना अपने ही डिसीजन थोपते। आई गेस जितना मैं उन लोगों को जानती हूँ और जितना मैंने देखा है, वो दोनों बराबर है अपने रिलेशन में। तो रिलेशन नहीं कि हाँ, कुछ ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता कि दोनों बराबर रहे रिलेशन में। एक होता है ज्यादा बोलने वाला, एक कम बोलने वाला, इसी तरह से जोड़ियां बनती है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो वैसे ही उनके केस में बेशक रूबीना ज्यादा बोलती है, बट आई थिंक सो जब कुछ डिसीजन लेना होता है तो दोनों का मतलब मानना बराबर होता है, दोनों का अग्रीमेंट होता है उस चीज के लिए। तो आई डोंट थिंक सो शी इज डोमिनेटिंग रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रही बात बिग बॉस हाउस की, मुझे ये लगता है कि जैसा मेरा नेचर है, अब मैं बहुत कम कम बोलती हूँ, आपने देखा भी, जब मैं बिग बॉस हाउस में बोली तो उस टाइम बोली, वरना आधे से ज्यादा टाइम चुप रही। तो बिग बॉस सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक वॉइस होना जरूरी है, वरना कोई भी आपको आके कुछ भी बोल देगा और उसको कैसे भी पोर्ट्रे कर देगा, अरे तुम ऐसी, जैसे सुपीरियर उनके साथ जोड़ दिया कि तुम ऐसी हो वैसी हो। आई डोंट थिंक सो बिग बॉस हाउस में बोलना अभी जरूरी है, वरना कुछ भी उसको पोर्ट्रे किया जा सकता है।